Good evening to all of you, and in today's class I am going to explain MTS previous year question paper of 2017 that I have been explaining for the last a few days, and it is set 15 today. So let's get started without killing your time. And question number one is on the screen. These five sisters care for one other. बहुत ही सिंपल, यहां पर एरर आपको दिख रहा है। एक दूसरे के लिए अंग्रेजी में हम दो शब्द का यूज करते हैं, एक होता है ईच अदर, ईच अदर, इसका प्रयोग हम दो के लिए करते हैं, और दूसरा होता है वन अनदर, इसका प्रयोग हम मोर देन टू के लिए करते हैं। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहे जाते हैं, परस्पर वाचक सर्वनाम। दो होते हैं ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग दो के लिए किया जाता है, वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। यहां बहनों की संख्या पांच है, वन अदर करके कुछ है ही नहीं, तो यहां पर होना चाहिए वन अनदर। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर टू। अक्षय कुमार बीइंग अ गुड एक्टर ही इज प्रेजेंटेड विद द नेशनल अवार्ड। अक्षय कुमार चूंकि एक अच्छे अभिनेता हैं, उन्हें नेशनल अवार्ड प्रेजेंट किया गया, प्रेजेंट किया जाता है। ये मंच पर से अनाउंस करते समय की बात है, किया जाता है। अब आप देखें ऐसे सेंटेंसेस में एरर ढूंढने के लिए क्या किया जाए। यहां पर एक पार्ट है बीइंग अ गुड एक्टर, ये फर्स्ट पार्ट आप मान लें, बीइंग अ गुड एक्टर। चर्चा किसकी हो रही है? अक्षय कुमार की। यह सब्जेक्ट है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार के लिए वर्ब और रिमेनिंग पार्ट क्या है? तो अक्षय कुमार इज प्रेजेंटेड विद द नेशनल अवार्ड। अब आप देखें कि अक्षय कुमार सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, प्रेजेंटेड विद द नेशनल अवार्ड अदर वर्ड्स हैं, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इस ही की क्या जरूरत? यह ही सुपरफ्लूअस है, यानी यह एक एरर का टाइप है जिसमें अननेसेसरी सब्जेक्ट का प्रयोग करके दिया जाता है क्वेश्चन। और इसे डिटेक्ट करने का तरीका यही है कि प्रत्येक पार्ट को आप अलग अलग कर लें। जैसे एक पार्ट ये हो गया, इसे हम अलग कर लिए, एक पार्ट अक्षय कुमार और सब्जेक्ट, साथ में इसका वर्ब और रिमेनिंग पार्ट, और देख लें अपने ही अलग हो जाएगा। इसमें अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होगा तो जैसे ही अलग हो गया, तो आंसर होगा बी, क्योंकि एरर वह बी में है। क्वेश्चन नंबर थ्री। मोर देन 30 years हैव नाउ पास्ट डैश आई हैड माई फर्स्ट फ्लाइट। यहां भी ग्रामर का एक बहुत सुंदर रूल, जिससे बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, दिया गया है। क्या यह रूल है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस सिंस प्लस सिंपल पास्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस सिंस प्लस सिंपल पास्ट टेंस। यहां जो सिंस शब्द है वह कंजंक्शन ऑफ टाइम का काम करता है, और इसका हिंदी मीनिंग होता है जब से तब से। इस सिंस का हिंदी मीनिंग होता है जब से तब से। और जब भी आप पहले प्रेजेंट परफेक्ट देखें, बाद में सिंपल पास्ट देखें, ऑप्शन में सिंस दिखाई पड़े तो सोचे मत, उसी को सेलेक्ट कर लें। आप कहेंगे यहां तो हैड है। जी हां, यह हैड वर्ब टू है, हैव का, यह वर्ब थ्री नहीं है। कैसे प्रूव हो जाएगा यह? तो अगर यह हैड हैड का काम करता तो यहां भी थ्री लेता। क्या इसके पास भी थ्री है? नहीं। तो यह हैव का भी टू है, आई हैड माई फर्स्ट फ्लाइट, यानी जब मैं
पहली बार फ्लाइट में उड़ान भरा था? तो थ्री का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, रमन हैज कम अप दैस ए प्रॉब्लम। कम अप फॉर मीन्स टू सप्लाई और टू प्रोवाइड, इसका मतलब होता है उपलब्ध कराना। कम अप फॉर कम अप विथ या कम आउट विथ, को सामने लाना, ब्रिंग आउट समथिंग दैट इज हिडन, को सामने लाना या उत्पन्न करना भी इसका अर्थ होता है। तो रमन हैज कम अप डैश ए प्रॉब्लम, रमन ने एक समस्या को सामने लाने का काम किया है, इसलिए कम अप विद होगा। अब इसमें जो कम आउट विद मैंने लिखा है, इसका प्रयोग प्रायः नई चीज को अख्तियार करने में किया जाता है। ही हैज कम आउट विद अ नोवल सोल्यूशन, एक बहुत ही आसान उदार बढ़िया सोल्यूशन लेकर वह आया है। तो कम आउट विद सोल्यूशन वगैरह में कुछ डिवाइस करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, शब्द है प्लाइट, इसके लिए चार ऑप्शन है। प्लाइट का आपको सिनोनिम बताना है। प्लाइट मीन्स होता है बदहाली, यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्लाइट मीन्स बदहाली, दुर्दशा, खराब स्थिति, दयनीयता, ब्लेसिंग, आशीर्वाद। यह तो एंटोनिम हो जाएगा, आशीर्वाद, एड, सहायता, और यह कॉमन नाउन का काम भी करता है, इसका अर्थ सहायक भी होता है। रिलीफ, राहत, डिफिकल्टी, कठिनाई। अब निश्चित तौर पर आंसर हम डी देंगे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं हुआ यह। प्लाइट का सबसे बढ़िया सिनोनिम माइजरी होता है। माइजरी प्लाइट का सबसे सुंदर सिनोनिम होता है। फाइव का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, शब्द है आर्टिकुलेट, इसका प्रयोग हम दो पार्ट्स ऑफ स्पीच में करते हैं। आर्टिकुलेट का प्रयोग यदि हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो इसका अर्थ होता है स्पष्ट, और यदि वर्ब के रूप में करते हैं तो इसका अर्थ होता है स्पष्ट उच्चारण करना। डिस्टिंक्ट एडजेक्टिव है, इसका अर्थ स्पष्ट होता है। अनक्लियर यानी अस्पष्ट। अब आप सभी लोग अनक्लियर का सिनोनिम कमेंट में लिख दें जल्दी से। डिस्कनेक्ट, टूट जाना या अलग हो जाना, डिस्कनेक्ट, और सीक्रेट, गुप्त, क्लैंडेस्टाइन। मैंने कहा आपसे कि अनक्लियर का आप सिनोनिम बता दें, तो आर्टिकुलेट का आंसर ए होगा, डिस्टिंक्ट। अब आ जाते हैं अनक्लियर पर, इसका सिनोनिम होगा वेग, अस्पष्ट, एम्बिग्यूअस, इक्विवोकल, इक्विवोकल, एम्बिग्यूअस, ड्यूबियस, वेग को नॉट क्लियर या अनक्लियर कहते हैं। तो सिक्स का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, और वर्ड आपके सामने है,
मैंडेटरी, मैंडेटरी भी एडजेक्टिव है। ए में ऑप्शनल, बी में वॉल्यूंटरी, सी में एसेंशियल और डी में अननेसेसरी। तो मैंडेटरी का अर्थ होता है आवश्यक, ऑप्शनल वैकल्पिक, ऑप्शनल वैकल्पिक। अब मैंडेटरी का यह एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शनल, वॉल्यूंटरी स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से स्वैच्छिक, तो यह भी मैंडेटरी का एंटोनिम हो जाएगा। पूछा तो गया है सिमिलर वर्ड, एसेंशियल आवश्यक, अननेसेसरी अनावश्यक। इस तरह के सेट्स को अगर कोई स्टूडेंट याद करे ना, और जितने सारे वर्ड्स बता रहा हूं इन सबको कुछ सेट्स में अगर याद कर लिया जाए तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, बहुत ही अच्छी। मैंडेटरी अनेकों बार पूछा गया है, वॉल्यूंटरी अनेकों बार पूछा गया है, सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मैंडेटरी का अदर वर्ड ऑब्लिगेटरी आप लिख सकते हैं, आप रिक्वायर्ड लिख सकते हैं, ऑब्लिगेटरी रिक्वायर्ड, कंपल्सरी आप लिख सकते हैं, और मैंडेटरी यहां है, एसेंशियल यहां है। इतने सारे शब्द आवश्यक के लिए होते हैं। 7 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एंड द वर्ड इज नेगोशिएट, नेगोशिएट मीन्स होता है बातचीत करना। अब इसी नेगोशिएट का दूसरा अर्थ बातचीत करके किसी मसले का हल निकालना भी होता है, जैसे नेगोशिएशन बिटवीन द टू कंट्रीज इज गोइंग ऑन ओवर दिस इशू, यानी इस मुद्दे के ऊपर दोनों देशों के बीच वार्ता चल रही है। अब वार्ता वो चल किस लिए रही है, उस मसले के समाधान के लिए। नेगोशिएशन का दूसरा प्रयोग शादी विवाह में भी, जो बातचीत चलती है शादी विवाह तय करने के दौरान, उसे भी हम नेगोशिएट करते हैं और वह काम नेगोशिएशन कहलाता है। तो बातचीत करना, एडजस्ट, समायोजित करना, एकोमोडेट, एडजस्ट, समायोजित करना, कंसल्ट, परामर्श लेना, डिबेट, वाद विवाद करना, डिबेट वाद विवाद करना, रिमेन बने रहना। तो नेगोशिएट, एडजस्ट, कंसल्ट, रिमेन होगा नहीं होगा क्या, डिबेट, नेगोशिएट करते हैं हम, यानी बातचीत को सुलझाने के लिए हम विनम्रता पूर्वक उसको कंटिन्यू करते हैं, डिबेट वाद विवाद करते हैं उसके ऊपर कि नहीं ये मेरा तर्क सही है। तो अपोजिट वर्ड नेगोशिएट के लिए डिबेट होगा, अपोजिट वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मीन्स होता है बेचैनी, हताशा, निराशा, हताशा, निराशा, उदासी, पीड़ा, कष्ट। डिस्ट्रेस कई अर्थों में प्रयोग होता है, कंसर्न चिंता, कंसर्न जब वर्ब का काम करेगा, संबंध होना या संबंधित होना, प्लेजर आनंद, एंग्जायटी चिंता, और डिस्कम्फर्ट असुविधा, इनकन्वेनियंस। डिस्कम्फर्ट का सिनोनिम होता है इनकन्वेनियंस। कमेंट करें इनकन्वेनियंस, स्पेलिंग देखूं किसका किसका सही होता है। तो डिस्ट्रेस का हमें अपोजिट वर्ड बताना है। कंसर्न एंग्जायटी और डिस्कम्फर्ट नेगेटिव सेंस के हैं, तो इसका पॉजिटिव सेंस का वर्ड यहां पर होगा
प्लीज आओ। इनकॉन्वेनियंस आप चेक कर लें अब, असुविधा यह सिनोनिम है डिस्कम्फर्ट का। क्वेश्चन नंबर 10 टोलेरेट, और आपको बताना है टोलेरेट का अपोजिट वर्ड, टोलेरेट का आपको अपोजिट वर्ड बताना है। टोलेरेट मीन्स होता है बर्दाश्त करना, किसी अप्रिय चीज को झेलना टोलेरेट कहलाता है, बर्दाश्त करना। झेलना एक्सेप्ट, स्वीकार करना। बियर बर्दाश्त करना। परमिट अनुमति देना, और डिसअप्रूव अस्वीकार करना। तो टोलेरेट बर्दाश्त करना यानी झेल जाना किसी चीज को। जब हम एक्सेप्ट करते हैं तब हमें टोलेरेट करना पड़ सकता है, यानी डिसअप्रूव होगा अस्वीकार कर देना। 10 का आंसर डी होगा। 11 में है ब्रेक द आइस, आप इसका आंसर दें। ए में बैड इंटेंशन है, बी में टू एस्केप है, सी में टू ब्रेक द साइलेंस है, और डी में टू फेल है। यहां आपसे एक और वर्ड पूछूंगा, इंटेंशन का रूट वर्ड आप सभी कमेंट में लिख दें। इंटेंशन किस शब्द से बना है कमेंट करें। ब्रेक द आइस मीन्स होता है चुप्पी तोड़ना, चुप्पी तोड़ना, जिसे हम कहते हैं वार्तालाप आरंभ करना, वार्तालाप आरंभ करना। तो टू ब्रेक द साइलेंस होगा, यानी 11 का आंसर सी होगा। और जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा इंटेंशन, यह अंग्रेजी के इंटेंड वर्ब से बना हुआ है। इंटेंड मीन्स होता है इरादा होना, इसका हम नाउन बनाते हैं तो यह इंटेंशन हो जाता है, यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इंटेंशन का अर्थ हो जाता है इरादा, इसका हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो यह हो जाएगा इंटेंशनल। इंटेंशनल एडजेक्टिव है, यानी इरादा का, इसका हम एडवर्ब बनाएंगे तो यह हो जाएगा इंटेंशनली। इंटेंशनली एडवर्ब है, इरादतन, इरादतन। तो इंटेंड शब्द से इतने सारे शब्द आप सीखे, सबको नोट करेंगे। 11 का आंसर सी होगा। और फिर से आपको बता दूं, ये सभी पीडीएफ ऐप पर, एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा ऐप पर अपलोड कर दिए जाते हैं। लाइव क्लास में आप निश्चित तौर पर नहीं लिख पा रहे होंगे इतने सारे शब्दों को, तो आप ऐप में आएं और वहां फ्री स्टडी मटेरियल में ये सारी चीज़ें आपको अपलोडेड मिलेंगी। एक दो दिन लेट अपलोड होता है लेकिन हो जाता है, तो वहां से आप नोट कर लेंगे, कॉपी बना लेंगे सबका। आगे जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि आपको ऐप का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएं, प्रत्येक दिन क्वीज होता है, प्रत्येक दिन। 12 में है क्राई इन द वाइल्डरनेस, यानी अप्रत्याशित मांग करना, किसी ऐसे चीज की मांग कर देना जिसको पूरा करना संभव न हो, जिसको पूरा करना अप्रिय भी लगे, वह कहलाता है क्राई इन द वाइल्डनेस। अपसेट द बैलेंस, संतुलन को बिगाड़ देना। एन अनरियलिस्टिक डिमांड, ऐसा डिमांड जो रियलिस्टिक ना हो,
टू डिफीटेड ये तो होगा ही नहीं, टू डिफीटेड टू बी डिफीटेड होगा, और ए सडन शॉक तो एन अनरियलिस्टिक डिमांड 12 का बी, क्वेश्चन नंबर 13 ब्रैकेटेड पार्ट को इंप्रूव करना है। क्वेश्चन है अप टू द टाइम ही वॉजंट देयर वी वी आर नॉट श्योर इफ ही विल, आपको बताऊं एक चीज, यह तो इंप्रूव करना है लेकिन एक दूसरा एरर भी है और मैं चाहूंगा कि मेरे उस एरर तक पहुंचने से पहले यानी मैं एक्सप्लेन करूं उसके पहले आप लोग कमेंट कर दें कि इस ब्रैकेटेड पार्ट के अलावे एक और जगह एरर है वह क्या है, आप कमेंट करके बताएं। अप टू द टाइम ही वॉज नॉट देयर वी वी आर नॉट श्योर इफ ही विल एक्चुअली कम, जिस समय तक वह वहां उपस्थित नहीं हुआ हम लोगों को विश्वास नहीं था कि वह वास्तव में आ जाएगा। तो अप टू द टाइम ही वॉज नॉट देयर, अनटिल तो लगा नहीं सकते क्योंकि आगे वॉज नॉट लगा हुआ है, टिल द टाइम अप टू तो यहां लगेगा नहीं, अप टू द टाइम नहीं होता है, यहां सबसे बढ़िया आंसर होता बाई द टाइम लेकिन नहीं दिया गया है तो बाई का काम टिल करता है इसलिए आंसर होगा ए, बाई का काम टिल करता है, तक के अर्थ में हम इसका यूज करते हैं। अप टू जो है पैमाना को बताता है, एक्सटेंट को बताता है, स्टैंडर्ड को भी बताता है, लेवल को बताता है, टाइम के लिए बाई या टिल का प्रयोग करें तक के अर्थ में। दूसरा एरर इसमें यह है कि आप देखिए यहां पास्ट टेंस का यूज हुआ, यहां पास्ट टेंस का यूज हुआ और यहां विल लगा दिया गया, ये हो ही नहीं सकता, यह एरर है, प्रश्न बनाने वाले का ध्यान प्रॉपर वे में यहां नहीं पड़ा, उन्होंने विल लिख दिया, उड होगा। 13 का आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। एज फियर्ड डिफरेंसेस इनटू द फैमिलीज पोज ए हर्डल, पोज ए हर्डल विघ्न उत्पन्न करना, यह भी याद करेंगे, पोज ए हर्डल विघ्न उत्पन्न करना, बाधा उत्पन्न करना। तो एज फियर्ड डिफरेंसेस डैश द फैमिलीज, डिफरेंस के साथ दो ही प्रेपोजिशन लगता है, डिफरेंस बिटवीन या डिफरेंस अमोंग, डिफरेंस इनटू नहीं होता है। अब यहां फैमिलीज कही गई है, अनगिनत संख्या है, दूसरी बात ऑप्शन में तो अमोंग हमको दिख ही नहीं रहा है तो हम अमोंगस्ट मार देंगे, एमोंग और एमोंगस्ट एक ही काम करता है, एमोंग के बीच में यूज्ड फॉर मोर देन टू, एमोंगस्ट के बीच में यूज्ड फॉर मोर देन टू, एक डिफरेंस भी होता है जिसको यहां तोड़ दिया गया है लेखक के द्वारा, प्रश्न सेट करने वाले व्यक्ति के द्वारा, क्वेश्चन सेटर के द्वारा, क्या डिफरेंस है। एमोंग का यूज हम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले करते हैं, हालांकि आज सभी जगह अमोंग लग रहा है लेकिन जब अंतर करने की बात आए तब आप इसका यूज जरूर करें। अमोंगस्ट का प्रयोग वोवल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है। अब यहां हॉबसन्स च्वाइस है हमारे पास, कोई दूसरा हो नहीं रहा इसलिए हम सी को सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आप सब्स्टिट्यूट करें इस एक्सप्रेशन को, दैट विच कैन नॉट बी पुट आउट, दैट विच कैन नॉट बी पुट आउट, वह जिसे बुझाया नहीं जा सके क्या कहते हैं, इल्यूजन, इल्यूजन मीन्स होता है दृष्टि भ्रम, दृष्टि भ्रम इल्यूजन। इंडिजेनस स्वदेशी, अपने देश का। इंसेंटिव लाभांश या प्रोत्साहन राशि, इंसेंटिव को हम बोनस भी कहते हैं, प्रोत्साहन राशि, और इनएक्सटिंग्यूशबल जिसे बुझाया नहीं जा सके, जिसे बुझाया नहीं जा सके, आंसर डी होगा। इसका रूट वर्ड होता है एक्सटिंग्यूश,
एक्सटिंग्यूस रूट वर्ड है, एक्सटिंग्यूस मीन्स बुझाना, डाउज मीन्स बुझाना, पुट आउट मीन्स बुझाना और सीज मीन्स बुझाना। बुझाना के लिए इतना शब्द होता है। 15 का आंसर होगा डी, सबको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। द सिस्टम विच इज ऑब्जॉर्ब्ड टू डू प्रोग्रेस, वह तंत्र जिससे यह माना जाता है कि वह प्रोग्रेस करेगा, उस सिस्टम को क्या कहें। वायलेशन, वायलेट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका अर्थ होता है उल्लंघन। एक्ट ऑफ वायलेटिंग इज कॉल्ड वायलेशन। इम्पेयरिंग, मैंने पहले के क्लास में आपको बताया है कि इम्पेयर मीन्स बाधित होना, जैसे अपंग के लिए, दृष्टि बाधित के लिए, पैर से डिस्टर्ब्ड के लिए इम्पेयर्ड का यूज होता है। तो इम्पेयर मीन्स होता है क्षति पहुंचाना। इम्पेयरिंग एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, तो क्षति पहुंचाने वाला या रुकावट पैदा करने वाला। प्रिजर्वेशन, बचाव या संरक्षण। और रिफॉर्मिज्म, सुधारवाद। अब यहां बात प्रोग्रेस की गई है, तो यानी सुधार की गई है, दूसरा तो होने वाला नहीं है, इसलिए आंसर हम डी सेलेक्ट करें 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको चूज करना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बेनिफिशियल होता है, आंसर ए होगा। बेनिफिशियल मीन्स लाभकारी, लाभदायक। क्वेश्चन नंबर 18 कमेंट करिए, बहुत सिंपल है। शब्द है कॉन्टिन्यूअस, 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 ए होगा। कॉन्टिन्यूअस मीन्स लगातार। 19 में अरेंजमेंट है, आप करें। इंटेग्रेटिव डाइवर्सिटी, इंटेग्रेटिव, इंटेग्रेट शब्द से बना है, डाइवर्सिटी डाइवर्स से बना है। इंटेग्रेट एकजुट करना, अखंड करना। इंटेग्रेटिव अखंड करने वाला, जोर देने वाला। डाइवर्सिटी यानी विविधता, तो इंटेग्रेटिव डाइवर्सिटी सब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब खोजिए। डाइवर्सिटी भी नाउन है, गवर्नेंस भी नाउन है, और यह दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे। पी से शुरुआत न करें। इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, ये तो वर्ब रख नहीं रहा है, वर्ब यहां है। इंटेग्रेटिव डाइवर्सिटी गोज हैंड इन हैंड, इंटेग्रेटिव डाइवर्सिटी साथ साथ चलता है। गो हैंड इन हैंड, कंधे से कंधा मिलाकर चलना। कीप पेस विद, गोज हैंड इन हैंड विद, किसके साथ? गवर्नेंस के साथ। विद गवर्नेंस यानी शासन के साथ। विच इज फॉर्मली ग्राउंडेड, जो दृढ़ता पूर्वक जड़ित है, समाया हुआ है, किस चीज में? इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, यानी RPQ। आंसर होगा RPQ और 19 का बी। बहुत सुंदर सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। शब्द है डेमोग्राफिक प्रेशर। डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को डेमोग्राफी कहते हैं। उसका एडजेक्टिव होता है डेमोग्राफिक। तो डेमोग्राफिक प्रेशर, अब ये भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वर्ब चाहिए, वर्ब आर से शुरू हो रहा है। डेमोग्राफिक प्रेशर कैन नॉट पुश, डेमोग्राफिक प्रेशर यानी जनसंख्या का दबाव, कैन नॉट पुश द वेज रेट, यानी जो मजदूरी दर है, वेज मीन्स मजदूरी होता है,
एजेक्टिव के रूप में और नाउन के रूप में वेजेज। तो वेज रेट यानी रेट और वेज दो एक साथ आए, वेज एडजेक्टिव हो गया। मजदूरी दर को डेमोग्राफिक प्रेशर उतना भी नीचे नहीं ले जा सकता है कि सब्सिस्टेंस लेवल से भी नीचे हो जाए, यानी जो जीवन जीने के लिए एक स्टैंडर्ड है उसके नीचे चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आरपीक्यू होगा, आरपीक्यू, और आरपीक्यू बी में दिया हुआ है। सब्सिस्टेंस मीन्स होता है भरण पोषण, भरण पोषण यानी मेंटेनेंस, सब्सिस्टेंस। इसका सिनोनिम सर्वाइवल भी हो जाता है। अब आपके सामने है क्लोज टेस्ट। बुक्स आर डैश फ्रेंड्स, दे आर गाइड्स। बुक्स हमारे डैश फ्रेंड्स हैं और वे हमारे गाइड्स भी हैं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं, पथ प्रदर्शक भी हैं। वी कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम देम, हम पुस्तकों से हर चीज सीख सकते हैं। तो बुक्स आर आर डैश फ्रेंड्स, ये हमारे कैसे दोस्त होते हैं। फेक मीन्स नकली, जाली, ओरिजिनल मौलिक, रियल वास्तविक, मैजेस्टिक राजसी। तो ये हमारे रियल फ्रेंड होते हैं, पुस्तक से हमारी सच्ची दोस्ती होती है, ये हमारे रियल फ्रेंड्स होते हैं। ये अगर हम पुस्तक पढ़ते हैं तो बुक्स गाइड का भी काम करते हैं। वी कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम देम, हम उनसे हर चीज सीख सकते हैं। द बुक्स कॉन्टेन ऑल द ग्रेट डैश ऑफ द वर्ल्ड्स लीडर्स एंड वी कैन लर्न देम बाय रीडिंग द बुक्स, हम विश्व के बड़े नेताओं जो अग्रणी लोग हैं उनके डैश को किताबों से पढ़ सकते हैं, जो किताबों में कंटेंड रहती है यानी किताबों में बनी रहती हैं, कायम रहती हैं, किताब उन्हें धारण करते हैं, बियर करते हैं, कंटेन करते हैं। तो ऑल द ग्रेट डैश ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स, क्या लीडर्स के क्या हम पढ़ सकते हैं, लीडर्स के थॉट को जान सकते हैं, बड़े बड़े नेताओं की सोच क्या थी, क्या उन्होंने कैसे वो इस तरह की चीज प्राप्त कर पाए, अपनी सोच को वे अपनी पुस्तकों में लिख डालते हैं। तो किताबें उन्हें भी धारण करती हैं, बियर करती हैं, कंटेन करती हैं, रिटेन करती हैं, ऑक्युपाई करती हैं। एंड वी कैन लर्न देम बाय रीडिंग द बुक्स, और हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उन पुस्तकों को पढ़ करके। द बुक्स हेल्प अस फाइंड डैश टू आर क्वेश्चंस, किताबें हमारी मदद करती हैं फाइंड डैश टू आर क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चन के डैश में किताबें हमें मदद करती हैं। हम किसी क्वेश्चन का किताबों में क्या ढूंढने जाते हैं, क्वेश्चन है तो आंसर्स होगा, आंसर्स टू आर क्वेश्चंस। द बुक्स, अब आप कहेंगे सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस मीन्स समाधान होता है क्वेश्चन के लिए, एग्जैक्ट यहां आंसर होगा, ऑप्शन में आंसर्स नहीं रहता तो हम सॉल्यूशंस दे सकते थे। द बुक्स हेल्प अस फाइंड answers to our questions, the books as we can, कुछ छूटा है क्या यहां, but all books are not good, लेकिन सभी पुस्तकें good नहीं होती हैं, so we should dash only good books, हमें सिर्फ dash किताबें ही पढ़नी चाहिए, read होगा, so we should dash only good books। ओ, कह रहे हैं क्या गड़बड़ी है, देखिए मैं 25 खोज रहा हूं, यहां 24 है और हमारे टाइपिस्ट 24 गायब कर दिए। एक बात बताऊं, आंसर 24 में बी होगा, प्रश्न तो गायब है लेकिन आंसर इसका बी होगा, यानी यहां यही कहा जा रहा होगा कि किताबें हमें उतनी रखनी चाहिए जितनी हम रख सकते हैं। We must have as many books as we can, हम जितनी अधिक किताबें रख सकें हमें उन्हें रखनी चाहिए। But
ऑल बुक्स आर नॉट गुड, सभी किताबें अच्छी नहीं होती, सो वी शुड डैश ओनली गुड बुक्स, हमें अच्छी किताबें ही पढ़नी चाहिए, रिमूव लुकिंग स्टील, यहां होगा चूज, हमें अच्छी किताबों का ही चयन करना चाहिए, यानी हमारी जो किताब के प्रति सर्च हो वो जुडिशस हो, विवेक के आधार पर हम किताबों का चयन करें, जुडिशस सर्च करें, जुडिशस सेलेक्शन होना चाहिए हमारा। तो 25 का आंसर डी होगा और हम लोग ये सेट 15 को कंप्लीट किए और अब आपके सामने अगला सेट 16 आएगा। क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियोस को शेयर बहुत अधिक लोगों तक आप अवश्य करें। विद दैट इट इज ओवर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास।